सो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड चैनल भी आ चुका है जो आपको पैनी गुरुजी के नाम से मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है ना पैनी स्टॉक्स ही रेकमेंड किए जाते हैं बाय करने के लिए। जो अच्छे पैनी स्टॉक होते हैं वही हम जो है यहाँ पर चूज करके लाते रहे हैं। तो ये स्टॉक आपको जो है ना आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न निकाल कर दे सकते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक होते हैं वे हम लेकर आते हैं। तो आप जो उस चैनल को जाकर विजिट कर सकते हो, इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो यहाँ पर जाकर आप जो इसको विजिट जरूर करना। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर डीके। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं, ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड। जी हाँ, आप देखोगे स्टॉक ने जो ना आज जबरदस्त रिटर्न निकाल कर दिए हैं। जी हाँ, आज आप देखोगे स्टॉक 13% के साथ अप्रोक्सीमेट 13.45 रुपये पर पहुंच चुका है। जी हाँ, 13.5% का स्टॉक ने आज उन्हें इंट्राडे में रिटर्न निकाल कर दिया है जबरदस्त। 5 दिन की मैं बात करूँ तो वहाँ पर आप देखोगे 16.5% का है, और 1 मंथ में आप देखोगे 13% का। 6 महीने की मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपको जो ना 45% की गिरावट पर देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक को लेकर मैंने पीछे आपको बहुत ज़्यादा समझाया था, अवेयर किया था कि स्टॉक को बाय करो भाई, स्टॉक को बाय करो। Q1 के बाद स्टॉक डटने वाला नहीं है। आप देख सकते हो 25 जुलाई को इसका जो ना हमें Q1 रिजल्ट देखने को मिल सकता है, और उस दिन आप देखोगे स्टॉक ज़बरदस्त धमाका होगा। जी हाँ, 25 जुलाई को ज़बरदस्त धमाका होगा, और ये स्टॉक हमें ऊपर में क्या टारगेट दिखा सकता है आने वाले, आप देखोगे 1 महीने क्या टारगेट होंगे इसके, 3 महीने के क्या होंगे, और 1 साल के क्या होंगे। तो चलिए वो मैं आपको सब दिखाता हूँ चार्ट पर। चार्ट ने इसके क्या संकेत दिए हैं, तेज़ी के संकेत दिए हैं, या फिर हमें जो ना यहाँ से करेक्शन देखने को मिलेगा। 1 साल में आप देखोगे अप्रोक्सीमेट 80% का स्टॉक ने रिटर्न भी निकाल कर दिया है। इसके अंदर करेक्शन वो आप देखोगे स्टॉक जो कंसोलिडेट करते हुए नीचे आ रहा था। अब आती है यहाँ से बात मेन, क्या ऊपर के टारगेट इसके रहने वाले हैं, किस लेवल से निकलना सही रहेगा। तो चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ सब चार्ट पर, चार्ट ने इसके क्या संकेत दिए हैं। तो आप देखोगे ये ऊर्जा ग्लोबल का चार्ट, यहाँ पर अभी जो ना आज का प्राइस अपडेट नहीं हुआ है। आज स्टॉक जो है 13.50 रुपये पर पहुँच चुका है ऊपर में। तो स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिली है। इसका जो रेजिस्टेंस था वो 12.24 रुपये था, स्टॉक ने ऊपर में वो टच कर लिया है। तो अब ये स्टॉक हमें टारगेट दिखाएगा 15.70 रुपये और 19.50 रुपये के। जी हाँ, नेक्स्ट मंथ में ये स्टॉक हमें 15.70 रुपये और जो ना 19.50 रुपये के टारगेट दिखाएगा ऊपर में। और Q1 रिजल्ट के बाद ये स्टॉक डटने वाला नहीं है। जी हाँ, Q1 रिजल्ट इसका ज़बरदस्त आने की संभावना है, और Q1 रिजल्ट के बाद इसको कोई डटने वाला नहीं है। अगर यहाँ से आप देखोगे, मैंने जो ना नीचे में आपको 10 रुपये पर स्टॉक को बाय करने के लिए बोला था कि 10 रुपये पर उठा लो, 11 रुपये पर भी बोला था, तो वहाँ पर भी मैंने आपको जो ना इसको बाय करने के लिए बोला था। तो यहाँ से माल उठाने का सबसे बेस्ट मौका था, क्योंकि पीछे करेक्शन हो चुका था भाई, बहुत ज़्यादा करेक्शन हुआ था स्टॉक के अंदर। तो यहाँ से स्टॉक ने जो ना फिर से ऊपर की तरफ रिवर्स किया है गैर। तो यहाँ से स्टॉक ऊपर में क्या टारगेट दिखाएगा वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये स्टॉक जो है ना फ्यूचर के लिए है। जी हाँ, फ्यूचर लेवल की कंपनी है। स्टॉक के अंदर आप जो है ना लॉन्ग टाइम के लिए बने रहो, मैंने आपको बोल दिया था कि स्टॉक के साथ आप 2025 से 2026 के लिए बने रहो। ये स्टॉक आपको जो है ना 50 रुपये के टारगेट दिखाएगा। तो स्टॉक आप देखोगे 52 वीक इसका जो हाई है वो 34 रुपये के आसपास है। जी हाँ, 34 रुपये इसका 52 वीक हाई है। तो आपको मैंने बोल दिया था कि स्टॉक के अंदर आप जो है ना बेधड़क होकर एंट्री लो, और जो ना आप देख लेना 2025 से 2026 तक ये स्टॉक आपको 50 रुपये के लेवल दिखाएगा। तो यहाँ से स्टॉक के अंदर सबसे बेस्ट मौका है, अभी भी आप जो एंट्री ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टाइम के लिए। अगर शॉर्ट टर्म में भी आप पैसा कमाना चाहते हो तो इसके ऊपर में 2 टारगेट निकले हैं। जी हाँ, पहला रहेगा 15.70 रुपये और दूसरा है 19.50 रुपये। तो ये स्टॉक हमें जो ना जल्द ही ये दोनों टारगेट अचीव करते नजर आएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, और इससे रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट आती है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।